क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 11.2 फाइंड 24% ऑफ 110 राइट. इसको लिख लेते हैं पहले 24% ऑफ 110 सो 24% परसेंट का साइन आ जाइए डिवाइड बाय 100 करिए ऑफ 110 जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए 24 × 11 इज 264 और डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 226.4 राइट. आपको 24% निकालना है 110 का, यानी 110 का 24% कितना होता है राइट. तो 24% ऑफ 110, बाकी इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होता है आपको, जीरो से जीरो कैंसिल करिए 24 × 11 करिए 264 और डिवाइडेड बाय 10, नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए. सो दिस इज 26.4 मीन्स 24% 110 का वो होता है 26.4. इसी तरीके से हम निकालना है हमें यहाँ पर 2.5% ऑफ 10,000 मिलीलीटर है. तो इसको लिख लेते हैं पहले 2.5% ऑफ 10,000 मिलीलीटर. सबसे पहले दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं और 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करिए सो दिस विल बी 250 ml यानी 250 मिलीलीटर. फिर डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का तरीका 10,000 से दो जीरोज हैं तो डेसिमल को, डेसिमल जो कि यहाँ था 2 और 5 के बीच में, उसको दो डिजिट्स आपने आगे ले जाना है राइट. तो आपका जितना भी डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है सब कहीं ना कहीं यूज़ होगा. तो आपको मैथ्स में फ्रैक्शंस रेशियोज डेसिमल्स इन सब के साथ काम करना आना चाहिए.